नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबरों में तो इस समय मुंगेली से बड़ी खबर सामने आई है। मुंगेली के सरकारी स्कूल में 32 बच्चे संक्रमित, सभी बच्चे होम आइसोलेट, स्कूल बंद। 3 दिन पहले टीचरों के संक्रमित मिलने पर कराया गया था टेस्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जब अपने पीक पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है और केस कम हो रहे हैं, स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। ऐसे में मुंगेली के सरकारी हाई स्कूल में फिर 32 बच्चे संक्रमित मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि टीचरों और कुछ बच्चों के पहले पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमण फैला है। फिलहाल बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है, साथ ही स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल संक्रमित मिले सभी बच्चे जिले के पथरिया ब्लॉक स्थित शासकीय हाई स्कूल के हैं। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले स्कूल के 2 टीचर और 4 छात्र पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद सभी टीचरों और बच्चों का टेस्ट कराया गया, इसी में इन बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। SDM प्रिया गोयल ने बताया कि फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है। पेरेंट्स को टेलीफोनिक सलाह दी जा रही है। टीचरों से भी कहा गया है कि वे पेरेंट्स के संपर्क में रहें। शासन आदेश पर 4% से अधिक संक्रमण दर होने के कारण जिले के मुंगेली और लोरमी ब्लॉक के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया था, जबकि पथरिया में संक्रमण दर कम होने से यहां पर सभी स्कूल खुले हुए हैं। अब यहां भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, ऐसे में चिंता बढ़ गई है। जिले में फिलहाल 463 एक्टिव केस हैं, जबकि 218 की अब तक मौत हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में 2693 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा से है, और 4871 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकवर्ड हुए। वहीं 19 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है।